नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्यापक हूँ। दोस्तों, सैनिक स्कूल के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस संबंध में जानकारी दूंगा। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन लें, वो अपने बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में करा सकते हैं। जैसे कि मैं वेबसाइट पर ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट का एड्रेस है sainikschoolsociety.org। मैं वेबसाइट आपको पढ़ के बता देता हूँ। SAINIK सैनिक SCHOOL स्कूल SOCIETY society.org। आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का एक वेब पेज ओपन होगा। मैं इस संबंध में आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों का सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो इस वीडियो को कृपया लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो बच्चे भी आजकल, जैसे बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे भी मोबाइल और इंटरनेट यूज़ करते हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर पर, तो वो देख सकते हैं कि सैनिक स्कूल में एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है। मैं यहाँ पर आपको एडमिशन प्रोसीजर पढ़ के बताता हूँ। सैनिक स्कूल्स आर फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, रन ऑन पब्लिक स्कूल लाइन्स, पब्लिक स्कूल लाइन पे चलते हैं। ऑल द स्कूल्स आर मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस। ये पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस के मेंबर होते हैं। दे ऑफर अ कॉमन करिकुलम एंड आर एफिलेटेड टू द CBSE। इनका कॉमन करिकुलम होता है और ये CBSE से एफिलेटेड होते हैं, न्यू दिल्ली। वाइल डेवलपिंग अ होलसम पर्सनैलिटी of the boys so that they are fit for the NDA। इनका उद्देश्य बच्चों को NDA के लिए फिट करना है। द स्कूल्स ऑल्सो प्रिपेयर बॉयज फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन ऑफ द CBSE। क्लास 10th और 12th के CBSE एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं ये स्कूल, एज वेल एज UPSC एग्जाम फॉर द NDA, और NDA एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, इवन दो इंग्लिश इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर एडमिशन। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, पर इंग्लिश की नॉलेज पहले से होना एक ज़रूरी नहीं है। सिंस दीज स्कूल्स प्रिपेयर बॉयज फॉर NDA इन द प्लस टू स्टेज, ये जो 12वीं का स्टेज होता है उसमें NDA के लिए तैयारी कराते हैं। ओनली द साइंस स्ट्रीम इज ऑफर्ड, यहाँ पे केवल साइंस स्ट्रीम ऑफर होती है। बिसाइड्स एकेडमिक एक्सीलेंसी द स्टूडेंट्स आर इंक्रेज टू डेवलप क्रिएटिव फैसिलिटीज थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड सोशली यूजफुल वर्क। दे आर सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल मेजर गेम्स एंड गिवन कंपल्सरी NCC ट्रेनिंग अप टू क्लास 11th। इसमें NCC की कंपल्सरी ट्रेनिंग होती है और सभी गेम्स खिलाए जाते हैं 11th क्लास तक। एडवेंचर एक्टिविटीज़ फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ एक इंटीग्रल पार्ट होता है ट्रेनिंग का। Each school has extensive infrastructure and land to cater to needs of comprehensive training so that boys are brought up in conducive environment. इसमें जो admission policy मैं आपको बता देता हूँ। Admission is based on an entrance test comprising maths, जो admission होता है एक entrance test पे based होता है, जिसमें कि math, GK, साइंस एंड SST, लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंसी फॉर क्लास 6। इसमें 6 क्लास की जो के लिए एडमिशन होता है, इसमें मैथ आता है, इंटेलिजेंसी, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 9th। और 9th में जो एडमिशन के लिए जो पेपर होता है वो मैथ्स, इंटेलिजेंसी, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल स्टडीज़ का होता है, फॉलोड बाई इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सैनिक स्कूल एडमिट बॉयज इन क्लासेज 6th and 9th ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। जो सैनिक स्कूल हैं वो बच्चों को 6th और 9th क्लास में एडमिशन देते हैं, उनकी मेरिट के अनुसार और इंटरव्यू के अनुसार। एग्जामिनेशन सब्जेक्ट एंड ब्रेक डाउन ऑफ मार्क्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 6 में जो एडमिशन होता है, ये सब्जेक्ट मैथ के 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, GK साइंस एंड SST के 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज के 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इंटेलिजेंसी के 50 मार्क्स के, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। और जो क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट्स है, मैथ का 200 का पेपर होता है, इंटेलिजेंसी का 50 मार्क्स का,
इंग्लिश का 50 मार्क्स का, जनरल साइंस का 50 मार्क्स का और सोशल स्टडीज़ का 50 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ मैं एज लिमिट आपको बता देता हूँ। बॉयज़ सीकिंग एडमिशन इन क्लास 6 शुड बी 10 टू 11 ईयर्स ऑफ एज। अगर 6 में एडमिशन चाह रहे हैं तो 10 से 11 साल के बीच की एज होनी चाहिए। एंड फॉर क्लास 9th दे शुड बी एजेड 13 टू 14 ईयर्स। और अगर 9th में एडमिशन है चाह रहे हैं तो 13 से 14 साल के बीच होनी चाहिए। एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर एडमिशन इज बीइंग सॉट। जिस साल एडमिशन लेना चाहते हैं उस साल 1 जुलाई को ये एज होनी चाहिए। यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी मैं आपको बता देता हूँ। सिक्सटी सीट्स आर रिजर्व फॉर बॉयज़ ऑफ द स्टेट वेयर द स्कूल इज लोकेटेड। जो 67% सीट है वो उस स्टेट के बॉयज़ के लिए होती है जहाँ पे स्कूल लोकेटेड है। द बैलेंस 33% सीट्स आर ओपन टू बॉयज़ फ्रॉम ऑल अदर स्टेट्स। तो बैलेंस जो बाकी की 33% सीट होती है वो दूसरे स्टेट्स के बॉयज़ के लिए भी होती है एंड यूटी यूनियन टेरिटरीज के लिए। विद इन दिस ब्रॉड क्लासिफिकेशन 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर सन्स ऑफ सर्विस पर्सनल इंक्लूडिंग एक्स सर्विस मैन, वाइल 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड 7.5% फॉर ST कैंडिडेट्स। तो इसके अनुसार रिजर्वेशन होता है। प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म, द प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। जो प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो अक्टूबर में आते हैं हर साल एंड कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्कूल्स वेयर द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू टेक एडमिशन। और जहाँ बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्कूल से ले सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑनलाइन बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। ये जो लिंक है सैनिक स्कूल एडमिशन .in, यहाँ पे क्लिक करके भी ऑनलाइन एडमिशन लिया जा सकता, ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो जनवरी में होता है हर साल एवरी ईयर। द डेट ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2018-19 इज 7th जनवरी 2018। जो सेशन 2018-19 है उसके लिए एडमिशन की डेट 7 जनवरी 2018 है। तो जो बच्चे या बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं वो अभी एडमिशन दिला सकते हैं, अभी एडमिशन चल रहे हैं। दोस्तों मैं अपने चैनल RG स्टूडियो में जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, रेलवे, बैंक्स एक्सेट्रा के लिए वीडियोज बनाता हूँ। और मैं जो नई अपडेट्स आती हैं फॉर्म और एडमिशन के लिए, जॉब्स और एडमिशन के लिए, उनके लिए वीडियोज बनाता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल RG स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।